भागलपुर में अपराधियों के हौसले बुलंद है। अपराधी दिन दहाड़े लूट और हत्या जैसी घटना को अंजाम देकर आसानी से फरार हो जाते हैं। ताजा मामला नाथनगर के ललमटिया थाना क्षेत्र के बीएन कॉलेज के समीप का है, जहां बेखौफ दो बाइक सवार अपराधियों ने एक साइकिल सवार युवक को गोली मारकर बैग से 50,000 रुपए लूट लिए और आसानी से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायल को मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया। मामले को लेकर बताया जा रहा है कि घायल विजय कुमार अपने मित्र के साथ नाथनगर से साइकिल से बैग में 50,000 रुपए लेकर भागलपुर जा रहा था। इसी दौरान बीएन कॉलेज के समीप बाइक सवार दो अपराधियों ने गोली से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिसमें की दो गोली विजय कुमार के पैर में लगी, जिससे वो जमीन पर गिर गया। अपराधियों ने बैग से 50,000 रुपए लिए और फरार हो गए। घायल युवक की पहचान भागलपुर के भीकनपुर निवासी विजय कुमार के रूप में हुई है, जो प्राइवेट कंपनी में काम करता है। घटना के बाद मौके पर पहुंचे एसपी शुभम आर ने बताया कि अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। विजय राय नाम के व्यक्ति हैं, जो पतंजलि का कलेक्शन एजेंट है। लगभग 50,000 रुपए लेके आ रहे और ये सूचना मिली कि वो साइकिल से आ रहे थे, तो उनके पीछे से दो लोगों ने उनके पास आए और उनका बैग छीन लिया और इसी क्रम में उनके एक गोली उनके पैर पे मारी गई। अभी वो अस्पताल में भर्ती है, उनका इलाज कराया जा रहा है। मतलब लूट के दौरान गोली मारी गई है ना? जी, प्रथम दृष्टिकोण लूट हुई है। अपराधी के बारे में सब कुछ चला, 50,000 अभी लूट बताया जा रहा है। व्यक्ति की पहचान क्या सर? घायल विजय राय हैं, जो बीकनपुर स्थित एक गुमटी नंबर एक के पास रहने वाले। पतंजलि का क्या है? कलेक्शन कलेक्शन करते हैं। अपराधियों के बारे में सर कुछ पता चल रहा हो? अभी पूरा कंफर्म नहीं है। अगर आप भागलपुर स्मार्ट सिटी के हबीबपुर के अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र इलाज के लिए आ रहे हैं, तो बिल्कुल भी ऐसी भूल ना करें, क्योंकि वहां के डॉक्टर भी डरे सहमे रहते हैं और इलाज कराने गए मरीज भी, क्योंकि अस्पताल का भवन इस कदर जर्जर हो चुका है कि वो अब एक जीता जागता भूत बंगला बन गया है, जहाँ सांप बिच्छू के अलावे पूरा भवन जंगल में तब्दील हो चुका है। पूरे भवन में मकड़ियों का जाला और दीमक लगा हुआ है। छत की स्थिति ऐसी है कि कभी भी ऊपर का छत जमीन पर आ सकता है। गेट और खिड़कियों में दीमक लगे हुए हैं। नाला और वर्षा के पानी से जल जमाव की स्थिति महीनों बनी रहती है। मरीजों का वहां इलाज कराने जाना तो दूर, वो सोचते भी नहीं है। बिहार सरकार की पोल खोलती स्मार्ट सिटी का यह स्वास्थ्य केंद्र सब कुछ बयां कर रहा है, जबकि इस स्वास्थ्य केंद्र पर लाखों रुपए हर महीने खर्च होते हैं। कई अधिकारी, कई डॉक्टर, कई कार्यालय कर्मी यहाँ अपॉइंट किए गए हैं, लेकिन स्थिति बद से बदतर है। यहाँ डॉक्टर, अधिकारी व कर्मी भी आने से डरते हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि स्वास्थ्य केंद्र में बारिश और नाले का पानी जमा रहता है, जिसके चलते काफी दुर्गंध रहती है और बैठने की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर सांप, बिच्छू जैसे कई जानवर निकलते रहते हैं, जिससे डर बना रहता है। भागलपुर के हबीब पूर्व थाना क्षेत्र अंतर्गत अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र का भवन पूर्ण रूपेण जर्जर हो चुका है। आए दिन टूट टूट कर छत की चट्टान गिरती रहती है। वहीं कई बार छत का छज्जा गिरने के कारण कई स्वास्थ्य कर्मी व मरीज घायल भी हो चुके हैं। हबीबपुर के निवासी मोहम्मद महमूद ने बताया कि यह स्वास्थ्य केंद्र नहीं, भूत बंगला है, क्योंकि यह वर्षों से खंडर पड़ा हुआ है। पूरा भवन जर्जर है। कमरों के छत इस कदर गिर रहे हैं मानो ताश के पत्ते झड़ रहे हों। बरसों से बंद पड़े कई कमरे में मकड़ी का जाला लगा हुआ है। महीनों नाला व बारिश के पानी के चलते यह बंद रहता है और जंगल में तब्दील हो चुका है। पानी सूखने के बाद कभी खुलता भी है तो डॉक्टर व कार्यालय के लोग आते हैं और तुरंत चले जाते हैं। साथ ही ग्रामीणों ने यह बताया कि स्वास्थ्य केंद्र को जल्द से जल्द ठीक कराया जाए, क्योंकि घनी आबादी वाला क्षेत्र है। जर्जर भवन के चलते डॉक्टर और मरीज डरे और सहमे रहते हैं। कभी भी यह भवन बड़ा हादसा का रूप ले सकता है। स्वास्थ्य केंद्र हबीबपुर में कार्यरत डॉक्टर मुनीस आलम ने बताया कि इस केंद्र की जर्जर स्थिति के कारण लोग वहां बहुत कम आते हैं और जो आते हैं वो डरे और सहमे रहते हैं। साथ ही आए कर्मी भी डरे सहमे रहते हैं, क्योंकि छत काफी डैमेज हो चुका है और उससे गिट्टी बालू के चट्टान गिरते रहते हैं। कई बार यहाँ के स्वास्थ्य कर्मी और मरीज भी घायल हो चुके हैं। उन्होंने यह बताया कि स्वास्थ्य केंद्र के सभी दरवाजे व खिड़कियाँ
जर्जर स्थिति में है, जिसके चलते कई बार यहां जो भी चीजें रखी होती हैं चोर चोरी कर ले जाते हैं। डॉक्टर बिमलानंद झा ने बताया कि इसके लिए कई बार स्वास्थ्य विभाग को पत्र भी लिखा गया है, लेकिन अभी तक इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। आए दिन पानी की समस्या, बिजली की समस्या, नाली और वर्षा का पानी जाम होने की समस्या से लेकर जर्जर भवन से लोग डरे रहते हैं। अब यह भवन पूर्ण रूपेण तोड़कर ही बनाना सही रहेगा, क्योंकि यह भवन काफी पुराना है और इसकी जर्जर स्थिति है, इसे ठीक करना भी खतरे से खाली नहीं है। कलर कुंदन ने कहा, कई दफे सांप से डसने से बचा हूँ, यहाँ काम करने से ज्यादा खतरनाक जानवरों और जर्जर भवन से भयभीत रहता हूँ। ना तो यहाँ का टेबल कुर्सी सही है और ना ही किसी तरह की स्वास्थ्य व्यवस्था ही दुरुस्त है, किसी तरह खाना पूर्ति करने आता हूँ। आफ्टरनून, मेरा नाम मोहम्मद मुनिस आलम हुआ, मैं यहाँ पे सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। अभी सबसे बड़ी परेशानी जो है यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की है, जो बिल्डिंग की हालत इतनी जर्जर है कि एक एक रॉड और एक एक बिल्डिंग का आप पार्ट देख रहे होंगे तो लग रहा है कि कब वो गिर जाएगा। खिड़की की ये स्थिति है, अभी आप देख रहे होंगे कि ये पीछे वाला जो खिड़की है इसको कोई तोड़ के सामान लेके चला गया था, तो उसकी वजह से हम लोग इसको ब्लॉक करवाया, ये वाला जो विंडो को। तो यहाँ पे कोई मतलब ये चीज़ नहीं है, कभी भी कोई चाहे तो चोरी कर सकता है, इतनी जर्जर स्थिति है। डर बना रहता है, हल्की सी भी बारिश होगी तो वाटर लॉजिंग का समस्या है, पानी लग जाता है, उसमें से बदबू आने लगता है, कई बार सांप भी यहाँ निकल गया है, कई सारे लोग स्टाफ लोग जो है डरे रहते हैं। फिर भी ऐसी स्थिति में हम लोग ये सोच के काम करते हैं कि शायद चलिए कुछ मतलब मकान की स्थिति टाइम टू टाइम कुछ मतलब उसको कर दिया जाए, मरम्मत कर दिया जाए, बट अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हो पाया है। स्थिति जर्जर, हाँ स्थिति बहुत जर्जर है। स्थिति तो इतना जर्जर है कि आप देख ही रहे हैं कि जिस टेबल पे हम लोग लिख रहे हैं तो उसकी भी स्थिति यह है कि कब ये टूट के गिर जाए उसका कोई ठिकाना नहीं है। भवन जो है सो जर्जर स्थिति में है, मैंने कई बार लिखा पढ़ी भी किया है, एक बार इंजीनियर लोग भी आए थे, नाप जोख करके भी गए, लेकिन अभी तक कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ। मरीज यहाँ ठीक होने आते हैं और छत की स्थिति ऐसी है, कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है, क्या कहेंगे? इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, मैंने ऐसा लिखा भी कई बार कि कोई भी आकस्मिक घटना से इनकार नहीं किया जा सकता है। साथ ही साथ यदि वर्षा हो जाती है तो इसमें एक कम से कम एक फीट पानी लॉज करता है इसमें, और कभी कभी सांप वो जो होता है क्या कहते हैं वो गोह और सब जानवर से दीदार होते रहता है जानवर से। जी हाँ, खतरनाक। भवन निर्माण हो, इस मकान का मरम्मत का कोई गुंजाइश नहीं है, पुनर्निर्माण ही एक विकल्प है मात्र। हाँ, टूटा हुआ है छत, टूट टूट कर गिर उड़ जाता है, और इसको साफ ठीक कराया जाए। और क्या क्या बोल रहे थे, सांप घुस जाता है? हाँ, वो जो है ना ऊपर ऊपर जाली उली है ना, उधर से सांप घुस जाता है, गिरगिट वगैरह घुस जाता है, पूरा जंगल होने के चलते। हाँ हाँ, जंगल होने के चलते पीछे, हाँ जर्जर है। हाँ, इसको सुधार थोड़ा करवा दीजिए, बनवा दीजिए। और क्या परेशानी ये है सर कि समूचा छत चूर है, नीचे पानी आ जाता है, नल नहीं है, हर चीज़ का तकलीफ हुआ हुआ है, कब गिर जाए कोई ठिकाना नहीं। मतलब आप इलाज के लिए आते हैं, हो सकता है इसमें दुर्घटना ही हो। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल दुर्घटना हो सकता है, ये सब चढ़ाता है फटता है, समझिए ना कि गिरता है। हाँ गिरता है, चकान चकान गिरता है, साथ हल्के हल्के चकान से भी गिरता है, इस वजह से बहुत परेशानी। इन लोग पानी पड़ता तो पानी सब साथ पानी पैर में पानी पैरे में पानी रहता है, समझिए इतना पानी रहता है इसके अंदर। जो है पूरा टूटा हुआ है, ऐसा स्थिति में कभी भी इसमें कोई घुस जाएगा तो दवाई पैक हो सकता है, ये स्टोर रूम है पानी के वजह से। हाँ स्टोर रूम है, और ये दवा है। हाँ ये स्थिति है। भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के कोयली खुटाहा गांव में अचानक से सैकड़ों पशु की मौत हो जाने के बाद किसान भयभीत है। गांव की सैकड़ों गाय और मवेशी की मौत हो चुकी है, मौत के कारणों का सही पता अब तक नहीं चल पाया है। ग्रामीणों ने बताया कि बीते कई सालों से दीपावली के कुछ दिन बाद पशु मरने लगते हैं, कुछ दिनों के बाद मौत का सिलसिला थम जाता है, लेकिन अगले साल फिर दीपावली के कुछ दिन पहले से शुरू हो जाता है।
जिस कारण गांव के किसानों को हर साल लाखों का नुकसान उठाना पड़ता है। डॉक्टर भी इस बीमारी के कारण का पता लगाने में असमर्थ है। पशु अचानक से दर्द से छटपटाने लगते हैं और देखते ही देखते मौत हो जाती है। पशु के मौत हो जाने से गांव के सैकड़ों तबेला खाली हो चुके हैं। वहीं मृत पशु को खुले में फेंकने के बाद से संक्रमण का खतरा और बढ़ जाता है। मृत पशु को किसान खुले में इधर उधर फेंक रहे हैं। गांव में पशु सरकारी चिकित्सक और अस्पताल नहीं होने से किसान मवेशी का इलाज नहीं करा पा रहे हैं। नहीं, 10-11 साल से हर साल के लिए यही बीमारी उठता है और बीमारी को पकड़ नहीं पाता है। डॉक्टर लोग, देहाती डॉक्टर जो आता है गाँव घर से, जो थोड़ा सा जानकारी उनकारी है, तो वो नहीं पकड़ पाता है। शायद कोई सैकड़ों में एक हक माल बचता है, नहीं तो जिसको पकड़ लेता है वो बचने वाला नहीं रहता। अच्छा, मतलब मवेशी मर जाता। आपके भी मवेशी मरे? हाँ, हमरो मर। कितने का लगभग नुकसान हुआ है? हमारा करीब करीब 40-50 तक के नुकसान है हमारा। अच्छा, हाँ। तो सरकारी स्तर से कोई मदद दिया, मुआवजा? कोई मदद नहीं, कोई ना कोई आया देखने के लिए, नहीं कोई पता लगाने के लिए, नहीं कोई हमको पता चलता है कि गांव गुहार को आदमी कहीं मालूम किया है सरकारी को। अच्छा, ये बताइए, इतने सालों से ये समस्या आप लोगों के गांव में हो रहा है, क्या सरकार से आप लोगों ने गुहार नहीं लगाई कि इसको लेकर के चिकित्सा? हमारे ख्याल से हमरो जितना जानकारी है कि कोई नहीं किया है। कोई करता तो आता गाँव गुहार में, तो हम भी देखते। अच्छा, तो कोई नहीं हमको पता चला। आपका इस वर्ष ही मवेशी की मौत हुई है या इससे पहले भी हुआ है? पहले भी हर साल एगो अनुवाद गो, कभी कभी नहीं होता है हर साल के, नहीं हर साल जो कि कह दें एगो मरता है रोज हर साल में, तो वो नहीं, कभी कभी उसको मर गया, कभी उसको मर गया, कभी उसको बच गया, इसी ढंग से होता है। सरकार से क्या मांग करेंगे? सरकार से तो हम लोग गरीब आदमी माल जाल खरीद करके जिसी तरह उलट फिर करके रखते हैं, एक तो माल लेकर करके दूध दही खाना पीने पूरा। आप लोग निर्भर जो हैं ये मवेशियों के ही दूध पर हैं, दूध के का कारोबार है आप लोगों का। तो सरकारी स्तर से कोई मदद की मांग करेंगे आप लोग? करेंगे, नहीं तो सरकारी से अगर जो कहीं मिल जाए तो हम लोग को कुछ तो सहारा हो जाए। सहारा होने के बाद हम लोग कमाएंगे खाएंगे, ऐसे तो सब। लगभग कितनी मवेशियों की मौत हुई होगी पूरे गांव में? लगभग पूरे गांव में तो उसे सोलनी नहीं बता सकेंगे, लेकिन अनुभव रखिए कि 150 तो नीचे नहीं होगा, ऊपर हो सकता। पशु तो बहुते मर रहा है, काहे मर रहा है? कोई बीमारी आया होगा 5-6 साल से, डॉक्टर तो देखता है लेकिन मर जाता है। कोई बचाइयो लेता है, कोई नहीं बचाता। कितना तो इतना नहीं कह सकते हैं। अब क्या हो रहा है तो हम लोग डॉक्टर नहीं है ना, है दिवाली के बाद से हर एक साल का मन ये नियम है, नया डॉक्टर बोलता है। वही सर्रा बीमारी आता है, बरसात के सीजन में आता है, ये दिवाली के सीजन में आता है। नहीं कोई नहीं, 1.5 करोड़ का बस्ती में 100-200। भागलपुर के गोविंदपुर पंचायत की महिला प्रतिनिधि के पति ने अपनी पत्नी को छोड़कर 3 बच्चे की महिला से शादी रचा ली है, जिसके बाद पीड़ित महिला वार्ड 11 की जनप्रतिनिधि मीरा देवी अपने पति की करतूतों को लेकर न्याय की गुहार लगाने SSP कार्यालय और DIG कार्यालय पहुंची और पीड़िता ने अपनी आपबीती अधिकारियों को सुनाते हुए न्याय की गुहार लगाई। पीड़िता का कहना है कि उसका पति मन्नू दास उसके पद की आड़ लेकर ग्रामीणों से काम कराए जाने का भरोसा दिलाते हुए अवैध वसूली की कमाई कर अपनी दूसरी पत्नी के पास चला जाता है। मामले का विरोध करने पर उसका पति आए दिन उसके साथ मारपीट की घटना को अंजाम देता है। मीरा देवी ने बताया कि पंचायत की जनता आए दिन उसके पास उसके पति की शिकायत लेकर आती है। लगातार पति की प्रताड़ना से तंग आकर महिला जनप्रतिनिधि मीरा देवी अपने पति मन्नू दास के विरुद्ध न्याय की गुहार लगाने जिले के अधिकारियों के पास पहुंची। अपने क्षेत्र की जनता को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाने वाली एक जनप्रतिनिधि को आज न्याय के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। हम पत्नी है, वार्ड सदस्य हैं। हाँ जी, आपके नाम पे पैसा उठा लिया जाता है, आपके पति उठा लेते हैं। हाँ जी, दूसरा शादी कर लिया। हाँ, किससे शादी किया? रश्मा देवे से। कहाँ? माधेपुर। आपकी शादी के कितने बरस हो गए? हमारा 18 साल हो गया। वो कब किया दूसरा शादी आपका पति? 3 पूजा के। पूरे गाँव में आपके नाम पर पैसा उठा लेता है? हाँ जी। मारपीट भी करता है? हाँ, कि मारी के तोरा बिगिद बो, तोरा अंगना रहो, जो 4 साल रह बो, तक मारी बिगिद। रिपोर्ट लिखा है जी, लिखवा।
अथी मसूदनपुर में। कितने दिनों से जा रहे हैं मसूदनपुर? 15 दिन से। वहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही? नहीं सर। क्या बोलता है वहाँ? वो बोलता है कि करेंगे करेंगे, नहीं करता है। क्या लगता है, बिली मंगाता है क्या? आ? पैसा वैसा खिलाता है क्या? हाँ पैसा दिया है थानों में, वही सुना जाता है पुलिस। क्या नाम हुआ आपका? मिराज भी। आपके पति का नाम? मन्नू दास। कहाँ घर हुआ? गोबनपुर दक्षिण टरा। भागलपुर के पुलिस जिला नवगछिया थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार स्थित रुंगटा सत्संग भवन रोड स्थित नवगछिया नगर के प्रमुख व्यवसायी समाजसेवी सह मारवाड़ी विवाह भवन के अध्यक्ष पवन कुमार चिरानिया के घर से चोरों ने लाखों रुपए मूल्य के कीमती सामान, नगद और अलमीरा में रखा राइफल और कारतूस की चोरी कर ली है। घटना के बाबत पीड़ित पवन कुमार चिरानिया ने बताया कि वे परिवार के सदस्यों सहित बच्चों को सिलीगुड़ी स्थित स्कूल छोड़ने 2 नवम्बर की सुबह 8 बजे निकले थे। वहां से 3 बजे वापस जब घर लौटे तो दोनों कमरे का दरवाजा क्षतिग्रस्त पाया, साथ ही अलमीरा का सामान भी तितर बितर फैला दिखा। वहीं अलमीरा में रखी गोलियां और राइफल तथा लाखों रुपए गायब थे, जबकि उसी अलमीरा के एक डब्बे में रखे सोने के जेवरात सही सलामत मिले। चोरी की घटना के बाद स्थानीय लोगों में भय का माहौल देखा जा रहा है। वहीं पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। आए तो देखे रूम खुला था। क्या क्या ले गए? क्या क्या ले गए? सामान जो ले गया है, सामान तो ले गया, राइफल ले गया। हाँ ले गया, 3.5 तीन के आसपास, 3.5 लाख रुपया था अलमारी में, और दूसरे रूम में राइफल था वो ले गया। राइफल कैसा क्वालिटी का था? 3.5 राइफल। भागलपुर के सबौर थाना क्षेत्र के गंगा नदी से किशोर का शव बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक किशोर की पहचान बांका जिला के रजौन थाना क्षेत्र के धर्मायचक झिटका गांव निवासी मिथिलेश कापरी के 17 वर्षीय पुत्र गुरुदेव कुमार यादव के रूप में हुई है, जो 1 नवंबर से अपने घर से लापता था। मृतक के पिता मिथिलेश कापरी ने बताया कि उनका बेटा गुरुदेव अपनी चाची बेबी देवी के साथ घर से निकला था और फिर वापस लौट कर घर नहीं आया। काफी खोजबीन किए जाने के बाद भी जब वो नहीं मिला तो बेबी देवी के खिलाफ रजौन थाने में मामला दर्ज कराया गया था। वहीं आज सुबह शव मिलने की सूचना के बाद परिजन सबौर पहुंचे, जहां उन्होंने शव की पहचान की। पिता का कहना है कि बेबी देवी भला फुसला कर युवक के साथ गलत संबंध बनाई हुई थी, जिसको लेकर कई बार विवाद भी हुआ था। उन्होंने आरोप लगाया कि महिला ने युवक को कुछ खिला पिला दिया था, जिस कारण वो उसकी बात सुनता था। वहीं मामले को लेकर रजौन पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। मिथिलेश कापरी गायब था लड़का, क्या हुआ? 1 तारीख से सर गायब हुआ हो गया था। कहाँ से? घरे से हो गया था सर। धर्मायचक झिटका थाना रजौन जिला बांका, वहीं से उनको बेबी देवी ने वहां से लेके चल फिरार हो गया। कौन है बेबी देवी? मेरा किसी बबहू लगता है। कहाँ लेके गए? वो लेके गया था ऐसे कि हम जा रहे हैं रिश्तेदार के जहाँ, चलो हमारे साथ। वहाँ से लेके फुसला पन्ना के उसको गंगा जी के किनारे लेके गया, उसको वहाँ धकेल दिया, मारपीट कर दिया। सब बैठा उसमें नहीं, वो पहले जो केस मुकदमा हुआ था, फिर मेल मिलाप हो गया था, फिर शांति से रह रहा था। बीच में इधर से दुर्गा पूजा से उसने अपना मोहिनी मंत्र खिला के उसको पिघला लिया और उसको मार दिया जान से। सर गलत काम भी करवाते थे क्या? अब पता नहीं क्या करवाते थे, वो तो करवाता होगा ना, जब ये वो संबंध बना रखा था दुर्गा पूजा से, करवाता तो होगा, ऐसे तो हो नहीं सकता है। गलत संबंध था दोनों में? गलत संबंध होगा जब ही तो ऐसा बात हुआ सर। अब कहाँ है वो? अब बेबी देवी अभी? बेबी देवी ससुराल में है, कहाँ है नहीं है उसका नहीं पता, अभी है पता नहीं लग रहा है। केस किया है सर रजौन थाना में। बिहार में कोर्ट के द्वारा नगर निकाय चुनाव रद्द किए जाने के बाद सरकार के द्वारा सभी जिला के सभी वार्डों और नगर निकाय से ट्रेनर चुना गया है, जो वार्ड वाइज जाकर जनसंख्या की गिनती करेंगे, जिसमें कास्ट वाइज और अन्य अभिलेखों को भी लिखेंगे, जिसमें वो किस तरह काम करते हैं, जिससे यह पता चल सकेगा किस क्षेत्र में किस जाति के लोग हैं
और वहां पर किस जाति के लोग अधिक है और कहां कम है, इसका आंकड़ा जुटाया जाएगा, जिससे चुनाव में उसी आधार पर आरक्षण बहाल करने की प्रक्रिया की जाएगी। इसको लेकर भागलपुर समीक्षा भवन में जिलाधिकारी सुब्रत सेन की अध्यक्षता में सभी कार्यपालक पदाधिकारियों के साथ सभी ट्रेनरों को ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे जनगणना करने में कहीं कोई परेशानी न हो। इसको लेकर कई बातों को समझाया जा रहा है, जिससे वो फील्ड में जब जाए तो उन्हें किसी प्रकार की परेशानी न हो। भागलपुर में एक बार फिर अतिक्रमणकारियों पर जिला प्रशासन का बुलडोजर चला है। भागलपुर जिला प्रशासन ने जीरो माइल थाना क्षेत्र में हाउसिंग बोर्ड की जमीन को अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराया। जीरो माइल थाना क्षेत्र के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में कई सालों से लोग हाउसिंग बोर्ड की जमीन को अतिक्रमण कर रहे थे। कई बार नोटिस देने के बाद भी लोगों ने जमीन खाली नहीं किया था, जिसके बाद से कोर्ट के आदेश के बाद भागलपुर जिला प्रशासन ने जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। इस दौरान दंडाधिकारी के साथ भारी संख्या में पुलिस जवानों की तैनाती की गई थी। हम आपको बता दें, सरकार के द्वारा हाउसिंग बोर्ड विभाग ने आम जनता को किराए पर रहने के लिए यहां मकान उपलब्ध कराया था, जिसकी समय सीमा बहुत पहले ही पूरी हो गई थी। वहीं बहुत लोगों ने किराया भी नहीं भरा था, जिसके बाद कोर्ट के आदेश के बाद भागलपुर जिला प्रशासन ने हाउसिंग बोर्ड की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। लोगों का कहना था कि जिला प्रशासन एक तरफा कार्रवाई कर रही है, हाउसिंग बोर्ड में कई नेता और दबंगों के द्वारा जमीन अतिक्रमण किया गया है, उसे खाली नहीं कराया जा रहा, जिसको लेकर लोग काफी आक्रोशित भी है। ये आवास बोर्ड का है, सेक्टर 5 का लैंड है, यहाँ अवैध व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है। किस स्तर पर कार्रवाई की जा रही है? आवास बोर्ड की तरफ से, इसमें सहयोग जिला प्रशासन की तरफ से सहयोग मिला है। और पुलिस जवान कौन कौन है? ये तो प्रशासन स्थानीय पुलिस है, और जो फोर्स मजिस्ट्रेट के साथ जो बहाल होते हैं लाइन से, ये लोग आए हुए हैं। दंडाधिकारी सर तैनात? दंडाधिकारी, दो दंडाधिकारी हैं यहाँ। कब तक सर पूरी तरह से खाली करवा लिया जाएगा? नहीं, समारता के यहाँ से जो लिस्ट मिला है उस लिस्ट के अनुसार अभी सिर्फ सेक्टर 5 का है। कितने घरों को सर? 21 घरों का लिस्ट मिला है अभी। भागलपुर के नौगछिया राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुक्रवार की दोपहर एक अज्ञात स्कॉर्पियो के धक्के से बाइक पर सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक की पहचान धरारा निवासी अवकाश प्राप्त शिक्षक प्रदीप कुमार शर्मा के 25 वर्षीय पुत्र शशि कुमार शर्मा के रूप में की गई है, जबकि मृतक का भतीजा 15 वर्षीय रमन कुमार शर्मा गंभीर रूप से घायल है। नौगछिया अनुमंडल अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल मायागंज रेफर कर दिया गया। घटना के बाद दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे रंगरा सहायक थाना के थानाध्यक्ष महताब खान ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नौगछिया अनुमंडल अस्पताल भेज दिया। दोपहर बाद तक मृतक का शव परिजनों को सौंप दिया गया था। मृतक के भाई कमल शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि उसका भाई शशि और बड़े भाई अनिल शर्मा का पुत्र रमन मोटरसाइकिल में पेट्रोल भरवाने के लिए गाँव से NH 31 पर भवानीपुर गांव स्थित पेट्रोल पंप पर जा रहे थे। इसी दौरान धरना ढला के पास रंगरा की ओर से आ रहे एक स्कॉर्पियो चालक ने लापरवाही और तेज गति से परिचालन करते हुए उसके भाई को मोटरसाइकिल में जबरदस्त धक्का दे मारा। धक्का लगते ही उसका भाई और भतीजा सड़क पर गिर गया। भाई की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल उसके भतीजे को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। मृतक के भांजे राजकुमार ने कहा कि उसके मामा शशि दिल्ली स्थित आरकेपुरम में जॉब करते थे, त्योहार में घर आए थे। शशि की असामायिक मृत्यु के बाद परिजन गहरे सदमे में है। मृतक के चार भाई नरेंद्र शर्मा, ब्रजेश शर्मा, कमल कुमार, पवन कुमार गहरे सदमे में है, जबकि माँ शोभा देवी और पिता प्रदीप शर्मा का रो रो कर बुरा हाल है। क्या नाम आपका? कमल कुमार। जो डेट की है उनका क्या नाम था? शशि कुमार शर्मा। कहाँ घर बनता? दरारा। पिता का नाम? प्रदीप कुमार शर्मा। क्या करते थे? जॉब करते थे। कहाँ? दिल्ली। कब जॉब लगी थी? जॉब हो गया 3 साल। कैसे हुआ बेटा? बाइक से जा रहा था पेट्रोल पंप। कितने बजे की? 11:30। कैसे धक्का? कौन मारा? पता चला स्कॉर्पियो धक्का मारा, उसके बाद स्कॉर्पियो तो भाग गया। हमको पता चला घर में फोन कोई किया, तो पहुँचे वहाँ तो देखे डेथ क्या हुआ। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? मतलब धरहरा से जा रहे थे पेट्रोल पंप को, भवानीपुर के पास है ना। क्या नाम है आपका? राजकुमार। राजकुमार। मृतक आपके कौन है? मामाजी। मामाजी, कैसे दुर्घटना हुआ? पेट्रोल भरवाने जा रहे थे उसी में। किस जगह? भवानीपुर पेट्रोल पंप। अच्छा, क्या नाम है उनका? शशि कुमार। उम्र? 25 साल। पिता का नाम? प्रदीप कुमार शर्मा। कितने भाई हैं? 5 भाई हैं। 5 भाई हैं। ये काम क्या करते थे? SSC का LDC जॉब में। कहाँ पे? दिल्ली आरकेपुरम। दिल्ली में। और चार भाई क्या करते हैं? जो ये दुकान है। दुकान है चारों का? नहीं, दो का दुकान है, एक बाहर में रहते हैं, सिक्योरिटी गार्ड है।
पिता क्या करते हैं? भागलपुर के बूढ़ानाथ मंदिर प्रांगण में एक बैठक का आयोजन किया गया। बक्सर सांसद सह केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे के द्वारा आयोजित आगामी 17 से 15 नवंबर तक अहिरोली बक्सर में विशाल सनातन संस्कृति समागम आयोजन करवाया जा रहा है, जिसमें पूरे भारतवर्ष से नामचीन संत महात्मा पहुंचेंगे एवं कुंभ के मेले की तरह यह आयोजन भी 137 बीघे के विशालतम जगह पर हो रहा है। इसके निमित्त भागलपुर कमिश्नरी के सभी सामाजिक धार्मिक एवं राजनीतिक संगठनों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अश्विनी कुमार चौबे भी जुड़े। बैठक में कई तरह की वार्ता की गई। भागलपुर के लोगों को कैसे ले जाया जाए, इस मुद्दे पर भी बातचीत की गई। इस दौरान भाजपा के कई नेता मौजूद रहे। देखिए, आज मुख्य रूप से जो बक्सर, जो बिहार के जिसको हम लोग बॉर्डर मानते हैं, वहाँ पर सनातन संस्कृति समागम होने जा रहा है। और इस समागम में जो आप देख रहे हैं, देश से नहीं विश्व भर के संत, हमारे जगत गुरु, उन सबों के द्वारा यज्ञ, राम कथा, भागवत के साथ साथ भारतवर्ष के जो नामचीन कलाकार हैं, जो धर्म के रूप में ज्ञान जिनका होता है, उन सबों का आगमन है। मानिए कि आप पूरे विश्व में इतना बड़ा आज तक समागम आज तक नहीं हुआ था, जो आप राम की कर्म भूमि बक्सर में जो यह कार्यक्रम होने जा रहा है। भागलपुर के पीरपैती रेलवे स्टेशन मालदा डिवीजन के एडीएम सुजीत कुमार पहुंचे। यहां बीजेपी विधायक लन पासवान के द्वारा आरोप लगाया गया था कि पीरपैती स्टेशन पर जिस ठेकेदार से काम कराया गया है, उनके कार्य की गुणवत्ता काफी निचले स्तर की थी, जिसके चलते जितने भी टाइल्स मार्बल लगाए गए थे वो हाथ लगाते ही नीचे गिर जा रहे थे। स्टेशन परिसर में मार्बल टाइल्स या दीवार यात्री के बैठने का शेड बनवाया गया था, सभी में अनियमितता पाई गई है। सभी का दो नंबर सामान डालकर काम कराया गया था, जिसको लेकर एडीआरएम स्टेशन पहुंचे और स्टेशन का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि कहीं न कहीं लोकल ठेकेदारों के मिलीभगत से काम हो रहा है, जिसके चलते यह परेशानी आ रही है। इस पर जल्द संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करते हुए दोषियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। विधायक जो आरोप लगाया है सर टाइल्स मार्बल के बारे में, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये इसके संज्ञान लेते हुए हमने आज निरीक्षण किया है, और जिस जो टाइल्स टूटने की बारे में जो घटना के बारे में जो चर्चा है, उसका ऑलरेडी हम लोगों का एक स्पेशल इंस्पेक्शन होता है जी। तो 9/9/2022 को ऑलरेडी हम लोगों ने नोटिस में ले लिया था, उसके ऊपर जो भी कार्रवाई है रिपेयर का, जो रिसोर्सेज से रिपेयर करना है कर दिया है, और विभागीय रूप से जो बैड डॉक्यूमेंटशिप के लिए जो कार्रवाई होगी वो हम लोग करेंगे। हम लोग उसके लिए उसका संज्ञान भी लेते हुए कुछ कार्रवाई उचित कर।